Let's some another example of arithmetic operators. In this case, we are testing only property of plus operators. Only plus. In first case, just in previous video, we are discussing about how many means how to identify types of the result of expression. As in that case, इस एक्सप्रेशन के केस में आपके टोटल टू ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड प्लस ऑपरेटर. हाईएस्ट प्रायोरिटी टेकन बाय प्लस ऑपरेटर ओवर द असाइनमेंट ऑपरेटर. हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका इस केस में प्लस का. सबसे पहले प्लस को टेस्ट करेंगे, देन असाइनमेंट प्लस के रिस्पेक्ट में. सबसे पहले अगर आइडेंटिफाई करें तो रिजल्ट का टाइप क्या हुआ. Types of result depends upon the types of operands available in the expressions. In first case, इस ओवरऑल प्रोसेस के अंदर टोटल टू वेरिएबल्स क्रिएट हुए, वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई. एज मेमोरी रिप्रेजेंटेशन फॉर एक्स, एक्स के रिगार्डिंग बात करें, एक्स इज अ इंटीजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल. व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर? इंटीजर विल टेक्स ओनली टू बाइट्स. इंटीजर विल टेक्स ओनली टू बाइट्स. बट व्हाट इज द साइज ऑफ वेरिएबल वाई? वाई इज अ लॉन्ग वेरिएबल और वी कैन से लॉन्ग इंट. लॉन्ग इंट विल टेक्स फोर बाइट्स इन सी. व्हाट इज द साइज ऑफ लॉन्ग इंट? इट विल टेक्स फोर बाइट्स इन सी. फोर बाइट्स. टोटल नंबर ऑफ बिट्स आर 32 बिट्स. लॉन्ग के केस में बात करें, लॉन्ग का साइज क्या हुआ 32 बिट्स. एक्स का साइज क्या हुआ 16 बिट्स. जस्ट बिफोर असाइनिंग वैल्यू ऑफ एक्स, वी आर सॉल्विंग दैट एक्सप्रेशन वन बाय वन. इट इज नॉट एज सिंपल एज यू कंसिडर. इन दैट केस एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट एक्सप्रेशन. सबसे पहले परफॉर्म किया मेमोरी एलोकेशन फॉर एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग देयर डेटा टाइप्स. नेक्स्ट वन वेरिएबल एक्स. एक्स इक्वल्स टू 32767 प्लस वन. हेयर 32767 इज एन इंटीजर ऑपरेंड and one is also integer. Then what is the type of result? Just previous video में show किया था, अगर expression के अंदर दोनों ही operand int है, then result is also integer. Integer means two bytes. तो जब ये operation perform हुआ addition से just पहले, इस operation को perform करें according to memory representation. Total इस case में addition, सबसे पहले assignment perform हुआ addition. एडिशन, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में चेक करो, फर्स्ट ऑपरेंड इज इंटीजर. जब भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे तो ऑपरेशन ऑलवेज मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में परफॉर्म बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इन दैट केस रिगार्ड रिक्वायर्ड क्या हुआ, सबसे पहले सारे ऑपरेशन बाइनरी फॉर्म में परफॉर्म हुए. तो सबसे पहले रिक्वायर्ड हुआ बाइनरी नंबर ऑफ 32767 एंड बाइनरी नंबर ऑफ वन, बिकॉज मेमोरी के अंदर सारे ऑपरेशन किस फॉर्म में परफॉर्म होते, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम. बिकॉज डेटा मेमोरी के अंदर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट्स. इसलिए ऑपरेशंस भी किस फॉर्म में परफॉर्म, ओनली ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी. देन सबसे पहले रिक्वायर्ड किया बाइनरी नंबर ऑफ 32767. 32767 का बाइनरी नंबर कितने बिट्स में रिप्रेजेंट हुआ, देर आर 16 बिट्स, बिकॉज इंटीजर के अकॉर्डिंग इंटीजर का साइज क्या है, टू बाइट्स. टू बाइट्स में 16 बिट्स अवेलेबल. 32767 बाइनरी नंबर 32767 इज 0111111. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 32767. सिंस नंबर इज पॉजिटिव, इसलिए इसका साइन बिट क्या हो रहा है, जीरो. नेक्स्ट वन वन. वन के रिस्पेक्ट में बात करें, वन का बाइनरी नंबर क्या होगा, ऑल्सो वन. लेकिन वन का टाइप क्या है, इंटीजर. ये पर्टिकुलर वैल्यू इंटीजर में वैल्यूएट होगा और इंटीजर का साइज क्या है, टू बाइट्स. इसलिए वन भी कितने बाइट्स में रिप्रेजेंट होगा, टू बाइट्स. रिमेनिंग बिट्स कंसीडर करेंगे एज अ जीरो जीरो. रिमेनिंग बिट्स आर जीरो जीरो. नेक्स्ट वन परफॉर्मिंग एडिशन ऑपरेशन. तो एडिशन के डायरेक्टली वैल्यूज के लिए अप्लाई नहीं करें, अप्लाई किसके लिए करो, इट्स बाइनरी बिट्स. इन दैट केस एडिशन ऑफ वन प्लस वन. वन प्लस वन के रिस्पेक्ट में एडिशन की बात करें, इन डेसिमल नंबर सिस्टम व्हाट इज द एडिशन ऑफ वन प्लस वन इज टू. लेकिन टू के केस में बाइनरी नंबर की बात करें, बाइनरी एडिशन, इसलिए टू का बाइनरी क्या है, वन एंड जीरो. इस केस में एडिशन क्या आएगा, एडिशन इज जीरो एंड वन इज कैरी. कैरी इज एडेड टू द नेक्स्ट बिट. नेक्स्ट बिट में वन एड होगा, वन प्लस वन इज अगेन बिकम्स जीरो, कैरी इज वन. वन प्लस वन इज जीरो, कैरी इज वन. वन प्लस वन इज जीरो,
carry is 1, 1 plus 1 is 0 again, and so on. Every time carry क्या generate हो रहा है 1, इसलिए addition क्या रहा है every time 0, carry क्या रहा again 1. Carry is 1, addition is 0. Now in last case में भी carry क्या 1, 0 plus 1 is 1. This is the result. Then सबसे पहले इस केस में perform क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों ही ऑपरेंड को बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू देयर डेटा टाइप 2 बाइट्स. देन अगर 2 बाइट्स से 16 बिट्स का एडिशन परफॉर्म करो तो रिजल्ट भी कितने बिट्स में कैलकुलेट हुआ, आल्सो इन द फॉर्म ऑफ 16 बिट्स. देन ये रिजल्ट किस में असाइन होगा, इसका जो भी जनरेटेड रिजल्ट है रिजल्ट इज असाइन टू द वेरिएबल एक्स और लोकेशन एक्स. फाइनली जो भी जनरेटेड रिजल्ट है इस रिजल्ट को कॉपी करें इन द वेरिएबल एक्स. रिजल्ट कितने बिट्स में जनरेट हुआ, 16 बिट्स. असाइन भी कितने बिट्स में हो रहा है, ऑल्सो 16 बिट्स. अब कॉपी दिस डेटा इनसाइड एक्स. डेटा में सर राइट टू लेफ्ट कॉपी करेंगे, राइट टू लेफ्ट बात करें 0 0 0 एंड अगेन 0 0 0. नेक्स्ट बाइट में कॉपी क्या होगा, सेकंड बाइट 1 0 0 देन 0 0 0. This is the binary representation of x after assigning that results. Clear? Next one. Similarly, और y के केस में बात करें तो y के केस में भी पहले assignment हुआ या addition? Addition. Addition के according first operand क्या again integer, second operand क्या again integer. तो इस केस में भी addition की बात करें अभी assignment को consolidate नहीं कर रहा, only consolidate on that expression. Previous case में same expression का result क्या मिला, that one. 32767 कितने bits में represent हुआ, 16 bit, because 32767 का type क्या है, int. 1 का type क्या, also int. Y का type long है, तो long में बाद में check करेंगे. सबसे पहले perform क्या हुआ इस case में, addition operation. तो addition के according again 32767 का binary number क्या मिलेगा, same respect to the second expressions. Then again 1. Then इस case में addition क्या आएगा, same results. Means first operand is integer, second operand is also integer, then result is also integer. Integer means it is represented in the form of 2 bytes. 2 bytes means equivalent to 16 bits. 16 bits में again result calculate हुआ, लेकिन next time इस result को copy किसमें करेंगे, x में या y में. Means results overall result produce होने के बाद आसान किसमें होगा, y. y के respect में बात करें अभी रिजल्ट जनरेट कितने बिट्स में हुआ है, 16 बिट्स में, लेकिन y के पास अवेलेबल बिट्स कितने, 16 और 32. अवेलेबल बिट्स आर 32, रिक्वायर्ड बिट्स आर 16. तो ये इंफॉर्मेशन जब कॉपी करेंगे अगेन राइट टू लेफ्ट कॉपी करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में राइट मोस्ट बिट में कैसा हुआ, 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 0. नेक्स्ट वन इसके प्रीवियस बाइट में कैसा करेंगे, 1 0 0 like that. Means 16 bit data will the 16 bit data y can successfully copy kiya, lekin agar second remaining bytes ke case mein abhi bhi empty bits kitne available hain, there are 16 more bits are available, then in bits mein assign kya karna hai, default value. Jab bhi default value paid karna hai to default inserted bit kya honge, always same as साइन बिट. आप जिस डेटा को कॉपी करो उस डेटा का साइन बिट क्या है इस केस में, 1. तो रिमेनिंग बिट्स में डिफॉल्ट वैल्यू क्या आसान होगा, आल्सो सेम एज साइन बिट. अगर साइन बिट 0 होता देन रिमेनिंग बिट्स में क्या आसान होता, आल्सो 0, लेकिन साइन बिट 1 इसलिए रिमेनिंग बिट्स में कॉपी क्या करेंगे, 1 not a 0, ऑल टाइम्स 1, दैट 1. क्लियर, दिस इज द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन of xy after solving this expressions. Next one, about printf. इसके जस्ट बाद परफॉर्म क्या हो रहा है, ऑपरेशन एज printf, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y. printf means displaying value of x, displaying value of y. तो आउटपुट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, x के केस में वैल्यू अवेलेबल किस फॉर्म में, बाइनरी नंबर सिस्टम, लेकिन आउटपुट डेसिमल नंबर सिस्टम में रिक्वायर्ड, इसलिए रिक्वायर्ड का बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. सारे कन्वर्जन हमने परफॉर्म किए थे इन केस ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और इनिशियल वीडियोस. अगर आपको इसका प्रैक्टिस नहीं है अगेन फिर से एक बार जाकर प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो, हाउ टू कन्वर्टिंग बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी. जब इस केस में बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करें तो सबसे पहले चेक करें इट्स साइन बिट. व्हाट इज द साइन बिट, साइन बिट इज 1. साइन बिट क्या है इसका,
वन, अगर इसका साइन बिट वन है तो देन इसका डेसिमल डायरेक्टली कन्वर्ट होगा और आफ्टर टू इसको हमने रूल क्या था, सबसे पहले चेकआउट क्या होगा साइन बिट, तो साइन बिट के केस में पॉसिबल केस कितने होंगे, आइदर जीरो और वन, अगर साइन बिट जीरो देन डायरेक्टली बाइनरी टू डेसिमल, बट इफ साइन बिट इज वन देन नंबर इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव, इन दैट केस सबसे पहले बाइनरी को टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करें, फर्स्ट केस क्या बाइनरी टू टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट को अगेन कन्वर्ट करेंगे डेसिमल बाय फॉलोइंग माइनस साइन, दैट वन रूल, तो इस केस में साइन बाय एक्स के केस में साइन बिट वन है इसलिए रूल कौन सा फॉलो हुआ, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ टूज कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वैल्यू, पहले मैं इस डेटा को सेपरेट प्लेस पर कॉपी कर रहा हूं, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालें, टूज के अकॉर्डिंग सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस इज जीरो ऑल टाइम्स वन, रिमेनिंग टाइम्स वन, देन इसमें ऐड क्या हो जाएगा वन, इस इट इज इक्वेलेंट टू 32767, इसका डेसिमल नंबर क्या है 32767, और अगर आप ऐड भी कराओ तो एडिशन के बाद भी अगेन क्या मिलेगा सेम नंबर, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, अगर फर्स्ट बिट वन है रिमेनिंग जीरो देन इसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी क्या हुआ सेम एज ओरिजिनल वैल्यू, देन क्या आएगा ऑल टाइम्स जीरो, फाइनली साइन बिट इज वन, उसका जो भी रिजल्ट आया आफ्टर टूज कॉम्प्लीमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग इस टूज कॉम्प्लीमेंट को आप कन्वर्ट किस पर करेंगे डेसिमल, और इसका इक्वलेंट डेसिमल नंबर क्या है 32768 फॉलोड बाय माइनस साइन, देयरफॉर एक्स के केस में रिजल्ट क्या आएगा माइनस 32767 बिकॉज सॉरी माइनस 32768 बिकॉज ऑफ साइन बिट इज वन, क्लियर, नेक्स्ट वन सेम एज अगेन वाई के केस में बात करें व्हाट इज द रिजल्ट और वैल्यू ऑफ वाई, वाई के रिस्पेक्ट में चेक करो तो वाई के केस में रिजल्ट क्या आएगा y का भी साइन बिट क्या है अगेन वन, तो डायरेक्टली इस केस में डायरेक्टली डेसिमल नंबर निकाल के सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ इट्स अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज के रिस्पेक्ट में सबसे पहले वंस, तो वंस क्या है इसका ऑल वंस आर कन्वर्टेड इन द जीरो, दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, देन जीरो वन 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 वन, दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट, देन वंस कॉम्प्लीमेंट में अगेन एड क्या होगा वन, वन प्लस वन इज जीरो, कैरी इज वन, रिजल्ट इज जीरो वन जीरो सॉरी वन जीरो मीन्स लास्ट केस में कैरी क्या आएगा वन, इन दैट केस जीरो प्लस वन इज वन, रिमेनिंग टाइम्स कैरी इज ऑल्सो जीरो, रिमेनिंग टाइम्स क्या आएगा जीरो जीरो, देन इसका डेसिमल क्या है डेसिमल इज अगेन 32768 प्लस, इसके लिए साइन कौन सा अप्लाई करेंगे साइन वेट वन था वाई का भी, इसलिए साइन कौन सा अप्लाई ऑल्सो माइनस साइन, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा अगेन माइनस 32768 मीन्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था ओनली 32768 इन बोथ केस, लेकिन जब बाइनरी ऑपरेशंस के फॉर्म में टेस्ट करोगे तो इनिशियली इंटरनली साइन बिट्स क्या फाउंड हो रहा है दोनों केसेस में साइन बिट इज वन, देयरफॉर नंबर इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव, और नेगेटिव का डेसिमल डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल, डेसिमल नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ जस्ट आफ्टर टूज कॉम्प्लीमेंट, मीन्स दैट्स अ प्रीवियस रूल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रीवियस रूल्स डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, पर इस केस में रिजल्ट इस टाइप से रिज हुआ है आपके लिए वाई के केस में एक्सपेक्ट रिजल्ट क्या था 32768, लेकिन वाई के केस में रिमेनिंग एक्स्ट्रा बिट्स में स्टोर क्या हुआ सेम एज साइन बिट, और साइन बिट इसका वन था इसलिए रिमेनिंग बिट्स में कॉपी क्या हुआ वन, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड नेगेटिव नंबर बिकॉज असाइनमेंट तो लॉन्ग में हुआ लेकिन एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही ऑपरेंड का टाइप क्या था प्लस सॉरी बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर टाइप्स, इसलिए ऑपरेशन 16 बिट्स में परफॉर्म हुआ, आफ्टर दैट रिजल्ट 32 बिट्स में कॉपी हुआ। सिमिलर टाइप का एक और एग्जांपल चेक करते हैं जस्ट इन नेक्स्ट एग्जांपल,